हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अबैकस लर्निंग विद नीदी, वेयर आई टीच अबैकस स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आई एम हियर अगेन विद माय न्यू वीडियो। माय न्यू वीडियो इज फॉर फन लर्निंग। यस, फन लर्निंग की वीडियो काफी टाइम से मैंने नहीं बनाई है और मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि फन लर्निंग की और वीडियोज बनाए, तो आई एम हियर अगेन विद अ न्यू गेम। So, what is the name of that game? The name of that game is speed writing. Yes. So, जैसे कि name ही बता रहे हैं कि ये हमारे बच्चों की writing speed को increase करने में help करने वाला है. So, without delay, let's get started. So, friends, I hope this is visible. So, how to start the game? पहले हमें अपने बच्चों को, अपने students को बोलना है कि take out your notebooks and be ready with your notebook and pencil. And you should, like as a teacher or as a parent, you should ready with your phone phone or watch with the timer on. Okay, तो हम लोग टाइमर निकाल के रखेंगे फोन या वॉच पे एंड बच्चे रेडी रहेंगे विद देयर पेंसिल एंड नोटबुक। एंड हमें बच्चों को पहले समझाना है कि यू विल गेट 1 मिनट टाइम। 1 मिनट में आपको कितनी बार कितने नंबर्स आप लिख सकते हो और वो नंबर्स आप देने वाले हो। तो विल स्टार्ट विद 0 to 9। तो पहले में हम लोग बच्चों को बोलेंगे कि 0 to 9 आपको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आप एक लाइन लिख के दे दीजिए। और बच्चों को बोलना है कि ये नंबर्स आपको बार 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 लिखना है। व्हेन आई विल से स्टार्ट यू हैव टू स्टार्ट एंड व्हेन आई विल से स्टॉप यू हैव टू स्टॉप। तो When you will say start, kids will start writing. Okay, समझ लीजिए किसी बच्चे ने 3 lines लिखे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ लीजिए किसी बच्चे ने 3 rows लिखे हैं। तो हर नंबर के लिए 1 point है। तो ऐसे फुल एक रॉ के लिए 10 points हो गए, बिकॉज 10 numbers है इसमें। तो 3 rows के लिए 30 points हो गए। समझ लीजिए किसी बच्चे ने ये 3 row प्लस मोर 5 numbers लिखे, 1, 2, 3, 4, ये 5 numbers। तो that student got 35 points। तो अब हमें चेक करना है सब स्टूडेंट्स के नंबर्स, हमें सब स्टूडेंट्स को वैसे पॉइंट्स हम लोग दे देंगे। इसमें एक विनर वी विल गेट, बट वी कैन डू वेरिएशन एज वेल इन दिस। व्हाट? अभी हमें बच्चों को बोलना है कि ये 1 मिनट का आपने लिख लिया। सपोज समवन गॉट 30, किसी को 35 मिले हैं, किसी को 31 मिले हैं, किसी को 29 पॉइंट्स मिले हैं। ओके, अभी बच्चों को बोलना है कि बच्चों यू हैव टू, वी विल प्ले दिस गेम अगेन। ये गेम हम लोग फिर से खेलेंगे। एंड नाउ दिस इज कॉम्पिटिशन विद योरसेल्फ। व्हाट इज दैट मीन? नाउ अभी जिस बच्चे को 30 पॉइंट्स मिले हैं, आई मीन जिस बच्चे ने 30 नंबर्स लिखे हैं, 3 rows लिखे हैं, उस बच्चे को हमें बोलना है कि अब दूसरे 1 मिनट में आपको ट्राई करना है कि 30 से ज्यादा टाइम लिखे। तो वैसे ही सारे बच्चों को बोलना है कि ये कंपटीशन आपके साथ, आपके खुद के साथ है, और आपको अपने जो पहले पॉइंट्स मिले थे, फर्स्ट 1 मिनट में पॉइंट मिले थे, अभी आपको ट्राई करना है कि उससे ज्यादा पॉइंट मिले। तो ये बच्चों के लिए काफी, अभी बच्चे और भी जल्दी जल्दी लिखने का ट्राई करते हैं। ये एक वेरिएशन हो गई इसमें। अभी एक और वेरिएशन हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक यू कैन सेग्रीगेट योर किड्स एज पर देयर एज। अगर छोटे बच्चे हैं, लाइक सीनियर के एज के, फर्स्ट स्टैंडर्ड के, तो उनको आप 0 to 9 लिखने के लिए कह सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बट अगर उसी आपके क्लास के किड्स ग्रुप में अगर सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे, तो ये उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए फेयर नहीं होगा। तो उनको, आप बड़े बच्चों को बोलना है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 to 9, यू हैव टू राइट 9 to 0, बैकवर्ड काउंटिंग। एक वेरिएशन ये हो गया। एक और वेरिएशन मैं लिख के बता दे रही हूँ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
ना एक और वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं इसमें, छोटे बच्चों को 0 to 9, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली आप सेट करो उनको 0 to 9 देना है या 9 to 0 देना है बैकवर्ड काउंटिंग। अगर बड़े बच्चे हैं लाइक थर्ड स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, और आपको लग रहा है कि वो और भी थोड़ा टफ कर सकते हैं, तो इसको टफ बनाने के लिए हम लोग उनको रैंडम नंबर्स देंगे लाइक 8, 9, 4, 6, 3, 2, 5, 7, 1, 0। तो ये है रैंडम नंबर्स, ये सारे नंबर्स 0 to 9 ही हैं, बट दे वी हैव प्लेस्ड हियर एंड देयर। तो क्या होता है, 0 to 9 दे नो वेरी वेल एंड 9 to 0 एज वेल दे नो वेरी वेल, बट अगर हम लोग ये शफल कर देंगे नंबर तो एक बार उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा बिकॉज ये उन्हें देख देख के लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक फेयर गेम में हो जाएगा अगर हमें साथ में गेम करवाना है। और एक वेरिएशन कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को साथ में खिला रहे हैं, तो हम लोग छोटे बच्चों को बोलेंगे 0 to 9 या 9 to 0 लिखने, देन बड़े बच्चों को बोलेंगे डबल डिजिट्स में लिखने, 11 to 20, राइट, 11 to 20। तो उनके लिए वो डबल डिजिट भी हो रहा है एंड थोड़ा टफ भी हो रहा है। तो ऐसे वेरिएशन आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। इसमें एक दो वेरिएशंस और हैं बट अभी वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो मैं एक दो वेरिएशंस जो बचे हुए हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आई शुड एंड माय वीडियो हियर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज रिकमेंड माई चैनल टू मोर एंड मोर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फ्रेंड्स, टिल द टाइम, बाय बाय, थैंक यू।